बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं स्टार स्टूडियो। हम कर रहे हैं 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का पांचवा सवाल है मल्टीप्लिकेशन का। तो शुरू करते हैं। वन 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 इस तरह 7 दफ़ा 1 है और 1101 बेस 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ज़रब का सवाल है, ये इधर बढ़ेगा तो इसलिए यहाँ से इधर से शुरू करेंगे। वन 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 1 2 3 4 5 6 7 7 दफा 1 है बेस 2 मल्टीप्लाई 11 0 11 है 1101। 1 2 3 4 5 यहां से शुरू करेंगे। 1101 बेस 2 मल्टीप्लाई करेंगे। जी जनाब, पहले एक से सारे इन रकमों को ऊपर जो डिजिट्स दिए गए इनसे दिए गए इनको ज़रब करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा। इसी तरह 7 टाइम्स ये 1 आ जाएगा। 3 4 5 6 7 यहाँ क्रॉस का निशान आ जाएगा। फिर 1 से 1 1 1 1 1 1 1 1 ये 7 दफा 1 है, एक से ज़रब करना है तो 7 1 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 1 हैं, उनसे 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 दफ़ा 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 0 0 6 दफ़ा हो गया, 1 0 7 दफ़ा। अब यहाँ पर भी क्रॉस आ जाएगा ये, फिर 7 दफ़ा 1 आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है, 1 ज़रब 1 1 ही होता है, हर दफ़ा 1 1 आ जाएगा। 4 5 6 7 फिर यहाँ पर भी क्रॉस का निशान आ जाएगा। ये सारे यानी यहाँ पर अदद हम नहीं लिख सकते। फिर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर 7 दफ़ा 1 है तो ये 7 दफ़ा 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 1 1 1 1 6 दफ़ा हो गया और ये 1 7 दफ़ा। जी जनाब, अब हमने इन सब को जमा करना है। 1 1 ही आ जाएगा। 1 जमा 1 2 2 हम लिख नहीं सकते असास 2 में। असास 2 में हम सिर्फ 2 हिंसे 0 और 1 लिख सकते हैं। 2 का क्या मतलब होता है, 2 को असास 10 में तब्दील करें तो 10 बनता है। 10 की 0 लग जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 3 3 ज़ाहिर 2 नहीं लिख सकते तो 3 कैसे लिख सकेंगे। 3 का मतलब होता है 11। 3 को असास 2 में ऐसे तब्दील करेंगे 2 1 2 और 1 ये, तो ये 1 ये और 1 ये 11 बन गए। 3 का मतलब होता है 11। 11 का 1 यहाँ पर लग जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 1 2 3 4 4 हम नहीं लिख सकते असास 2 में। 2 2 4 0 फिर यहाँ पर 2 से तकसीम करेंगे 2 1 2 0 तो इसका क्या मतलब है, ऐसे जाना है। तो 4 का मतलब होता है 100। 100 को 0 हम यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 4 का मतलब होता है 100। 100 को 0 लगाएंगे फिर बच जाएगा 10। 10 को यहाँ पर हम 2 की सूरत में, यानी 2 का मतलब भी 10 होता है, 2 लिख लेंगे। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 2 3 4 5 6 अब 6 को असास 2 में तब्दील करेंगे 2 3 6 0 2 1 2 और 1 110 110 का 0 लग जाएगा यहाँ पर। 11 11 का क्या मतलब है, 3 3 का मतलब होता है 11 ये इसके मुताबिक। 4 5 6 7 अब 7 हो गया। 7 को असास 2 में तब्दील करेंगे 2 3 6 और 1 7 फिर 2 1 2 और 1 3 यानी 111 111 का 1 यहां पर लग जाएगा। फिर 11 बच गया, 11 का क्या मतलब होता है, 3 4 5 6 7 7 का मतलब 111 फिर 1 लग गया है और 3 यहां पर कैरी। 4 5 6 6 का क्या मतलब होता है, 110 110 का मतलब 0 लग जाएगा।
और तीन यहां पर कैरी, फिर चार पांच, पांच का क्या मतलब होता है, असास दो में दो दो चार और एक पांच, दो दो जीरो 101, पांच का मतलब 101 का मतलब क्या है कि यहाँ 1 लाख जाएगा और 10 बज जाएगा, 10 का मतलब क्या है दो। अब दो और एक तीन और एक चार, चार का मतलब होता है 100, 0 लाख जाएगा, दो पर कैरी हो जाएगा, दो और एक तीन, तीन का मतलब होता है 11, बेस 2। जी जनाब, तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगला हमारा सवाल है, नामी जुज हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2, 4 4 1 4 3 बेस 5, 4 4 1 4 3 बेस 5, 2 3 0 2 3 बेस 5, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 जरा 3, पहले इनसे को पहले से 3 जरा 3 9 होता है, 9 असास 5 में लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, 9 को असास 5 में तब्दील करेंगे, 5 1 5 और 4 9 14 होता है, 14 का 4 यहाँ लग जाएगा और 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 3 जरा 4 12, 12 और 1 कैरी वाला 13, 13 हम लिख नहीं सकते असास 5 में, 13 का क्या मतलब, 5 में तब्दील करेंगे तो 5 2 10 और 3 13 23, 13 का मतलब क्या है 23, 23 का 3 लग जाएगा, 2 यहां पर कैरी हो जाएगा, फिर 3 जरा 1 3 और 2 5, 5 भी नहीं लिख सकते असास 5 में, असास में असास 5 में 5 को असास 5 में तब्दील करेंगे तो ये 10 बनता है, 10 का 0 लग जाएगा और 1 यहां पर फिर कैरी हो जाएगा, 3 जरा 4 12, 3 जरा 4 12 और 1 13, 13 का मतलब होता है 23, 23 का 3 लाग जाएगा, 2 कैरी, 3 जरा 4 12 और 12 और 2 14, 14 हम असास 5 में नहीं लिख सकते तो इसलिए 14 तकसीम 5, तो 5 2 10 और 14 का मतलब होता है 24, ऐसे 3 जरा 3 9 9 का मतलब होता है 14, 14 का 4 लग गया 1 कैरी, 3 जरा 4 12 और 1 13, 13 का मतलब होता है 23, 23 का 3 लग गया 2 कैरी हो गया, 3 1 3 और 2 5, 5 का मतलब होता है 10, 10 का 0 लग गया 1 कैरी हो गया, 3 जरा 4 12 और 1 13, 13 का मतलब होता है 23, फिर 3 लग गया है 2 कैरी हो गया है, 3 जरा 4 12 2 14, 14 का मतलब होता है 24। जी जनाब, अब यहां पर आ जाएगा क्रॉस का निशान, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जरा 3 6, 6 हम लिख नहीं सकते असास 5 में, पहले 6 को असास 5 में तब्दील करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 5 1 5 और 1 6, 6 का मतलब होता है 11, 11 का 1 लग जाएगा, 1 यहां लग जाएगा, 1 यहां पर ऊपर कैरी आ जाएगा, फिर 2 जरा 4 8 और 1 9, 8 और 1 9 का मतलब होता है 14, 14 का 4 लग जाएगा, 1 यहां पर कैरी, फिर 2 1 2 और 1 3, 2 1 2 और 1 3, फिर 2 को 4 से 2 जरा 4 8, 8 8 का मतलब क्या होता है असास 5 में, 5 1 5 और 3 8, 13, 13 का 3 लग जाएगा और 1 यहां पर कैरी आ जाएगा, फिर 2 2 4 8 और 1 9, 9 का क्या मतलब होता है सात 5 9 का मतलब होता है 14, अब यहां पर भी क्रॉस आ जाएगा, यहां पर भी अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 जब जितने इंच है उनसे जरब खाता है तो उनको 0 ही कर देता है, तो ये 5 इंच है तो 5 दफा 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 0 आ गया 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करना है, जाहिर है पहली दफा 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये रकम आई है, तो अब भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रकम दोबारा आ जाएगी, लेकिन यहां पर पहले क्रॉस लगाएंगे, यानी ये वाला जो आखिरी पहला जो 0 है उसके नीचे क्रॉस आ जाएगा,
अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आता है, पहला उसका आंसर 4, 3, 0, 3, 4, 2। जी जनाब, अब फिर यहां पर भी क्रॉस आ जाएगा, ये सारे क्रॉसेस। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई यहां किया है तो ये आया है 143, 341, 143, 341, तो अब भी वही आ जाएगा 1 4 3 3 4 1। जी जनाब, अब हम इनको करेंगे जमा। 4 तो हम लिख सकते हैं 7 5 में, 0 से 4 तक, 4 का 4 आ गया, 3 और 1 फिर 4 आ गया। अच्छा जी, फिर भी 4 है, 4 आ गया, 3 और 3 6 और 4 10, 10 का मतलब होता है 20, 20 का लग जाएगा 0, तो यहां पर 2 कैरी हो जाएगा। फिर 2 और 4 6 और 3 9 और 3 12 और 1 13, 13 का क्या मतलब, 13 का मतलब होता है 23, 23 का 3 लग जाएगा, फिर यहां पर 2 कैरी हो जाएगा। फिर 2 और 2 4 और 4 8 और 8, 8 और 4 12, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, 12 हम असास 5 में नहीं लिख सकते, उसको पहले असास 5 में तब्दील करेंगे, 5 2 10 और 2 12, ठीक, तो ये 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22, 2 लग गया, 2 यहां पर कैरी, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, 9 का मतलब बताया असास 5 में 9 का मतलब बताया 14, 14 का 4 लग जाएगा, 1 यहां पर कैरी, 1 और 4 5 और 3 8, 8 हम नहीं लिख सकते, असास 5 8 का मतलब होता है 13, 13 का 3 लग जाएगा, 1 यहां पर कैरी, फिर 1 और 2 3 और 4 7, 7 का मतलब होता है 12, 2 यहां लग जाएगा तो 1 फिर कैरी लग जाएगा, 1 और 1 2 बेस 5। जी जनाब, 2 2 3 4, 2 3 0 4 4, यह जी असास 5 में इसका सोल्यूशन या जवाब। एक्सरसाइज है 3.2, उसकी 10वीं जुज है, 4 3 2 3 0 बेस 5। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 4 1 2, 2 4 1 2 बेस 5, 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, 0, 2 ज़रब 0, 0 हो जाएगा, 2 ज़रब 3, 6, 6 को हम असास 5 में लिख नहीं सकते, तो पहले 6 को असास 5 में तब्दील करेंगे, 6 का मतलब क्या होता है 11, 11 का 1 लग जाएगा और 1 यहां पर कैरी हो जाएगा, 2 ज़रब 2 4 और 1 5, 5 का मतलब होता है 10, 5 को असास 5 में 10 लिखते हैं, 10 का 1 यहाँ 0 यहाँ लग जाएगा और 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। फिर 2 ज़रब 3 6 और 1 7, 7 का मतलब होता है 12 असास 5 में, 12 का 2 लग जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। फिर 2 ज़रब 4 8 और 1 9, 9 का मतलब होता है 14, 9 का मतलब होता है 14, यहां पर क्रॉस आ जाएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जब भी किसी अदद से ज़रब खाता है तो वो वैसे का वैसे रहता है, 0 ज़रब 1 0 हो जाएगा, 3 ज़रब 1 3 हो जाएगा, 2 ज़रब 1 2 हो जाएगा, फिर 3 ज़रब 1 3 हो जाएगा, 4 ज़रब 1 4 हो जाएगा। जी जनाब, अब यहां पर भी क्रॉस आ जाएगा, फिर 4 से 4 ज़रब 0 0, 4 ज़रब 3 12, 12 असास 5 में हम नहीं लिख सकते, तो उसको 5 2 10 और 2 12, 12 का मतलब होता है 22, 22 का 2 लग जाएगा, 2 यहां पर कैरी लगेगा। फिर 4 ज़रब 2 8 और 2 10, असास 5 में
दस का क्या मतलब है? पांच दो दस जीरो, दस का मतलब होता है बीस, बीस का जीरो लग गया, दो यहां पर कैरी, चार दो आठ और दो दस, दस का मतलब बीस, बीस का जीरो लग गया, दो कैरी, चार तीन बारह और दो चौदह, बारह और दो चौदह, पांच में तब्दील करेंगे, दो पांच दस और चार चौदह का मतलब होता है चौबीस, चौबीस का चार लग गया, फिर यहां पर दो कैरी, चार दरब चार सोलह और दो अठारह, सोलह और दो अठारह, अठारह को असास पांच में तब्दील करेंगे, पांच तीन पंद्रह, तीन अठारह, अठारह का मतलब होता है तैतीस, अठारह जो इशारी निजाम में है उसको बेस फाइव में तैतीस लिखते हैं। फिर दो से मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहले 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 दो से मल्टीप्लाई करवाया था तो ये आ गया था दस बीस चौदह, तो इनको फिलहाल आखिरी पहली रकम के नीचे क्रॉस लगाएंगे, तो एक जीरो एक, क्योंकि पहली पहली दफा दो से मल्टीप्लाई किया था तो जो जो रकम यहां बनी है तो आखिरी दफा भी दो से जरब करने से वही रकम, दस बीस चौदह। जी जनाब, अब ये दो से भी हो गया है, एक से हो गया है, फिर चार से हो गया है, फिर दो से हो गया है मल्टीप्लाई, अब इनको हमने जमा करना है, तो जीरो का जीरो आ जाएगा, पहले पहले जीरो ही है, फिर उसके बाद है वन जमा जीरो वन, फिर तीन जमा जीरो समथिंग तीन, फिर दो जमा दो जमा दो छः होता है, छः का मतलब होता है ग्यारह, ग्यारह का एक लग जाएगा, एक यहाँ पर कैरी, चार और एक पांच और तीन आठ और एक नौ, एक और तीन चार, चार चार आठ और एक नौ, नौ का मतलब होता है चौदह, नौ का मतलब होता है चौदह, चार लाख जाएगा और एक यहाँ पर कैरी, फिर एक और एक दो और चार छः और चार दस, दस का मतलब होता है बीस, बीस का जीरो लाख जाएगा, दो यहां पर कैरी, दो और तीन पांच और दो सात, सात का मतलब होता है बारह, सात का मतलब क्या होता है बारह का दो लाग जाएगा और एक यहां पर कैरी, एक और तीन चार और चार आठ, आठ का मतलब होता है तेरह, आठ का क्या मतलब होता है तेरह, तेरह का तीन लाग जाएगा, फिर एक कैरी, फिर एक और एक दो, बेस फाइव। जी जनाब, इस तरह इनको हमने करना होता है असास पांच में मल्टीप्लाई।